नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। खबर जिला बिजनौर से है, जहां से हम आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता तुषार वर्मा की खास रिपोर्ट। दो दिन से लापता युवक का शव खो नदी में पड़ा दिखाई दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया और कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस कार्रवाई में जुटी है। दरअसल आपको बता दें, थामपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम नंगला भज्जा निवासी 23 वर्षीय दीपक पुत्र वीरेंद्र पाल सिंह गिल बीती 16 अगस्त की रात से घर से लापता था, जिसके बाद बीती शाम खेत से लौटते हुए शिरकोट थाना क्षेत्र के ग्राम हादकपुर निवासी कुछ किसानों को गांव के पास बह रही खो नदी में एक युवक का शव पड़ा दिखाई दिया। इस बात का पता लगते ही दूसरी ओर स्थित गांव नंगला भज्जा के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने शव की शिनाख्त की। पुलिस क्षेत्राधिकारी इंजनी कुमार ने बताया कि एक शव पड़ा होने की सूचना प्राप्त हुई थी। शव को नदी से बाहर निकाला गया और परिजनों द्वारा शव की शिनाख्त की गई। उन्होंने बताया कि मृतक की कुछ महीने पहले ही कोर्ट मैरिज हुई थी, जिसको लेकर आपस में अनबन चली आ रही थी। दो दिन पहले युवक बिना बताए घर से कहीं चला गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कार्रवाई की जा रही है। थाना क्षेत्र शेरकोट के हादकपुर गांव के पास खो नदी में आज एक तैरती हुई डेडबॉडी दिखाई पड़ी। स्थानीय लोगों की सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचकर डेडबॉडी को बाहर निकलवाई। फील्ड यूनिट और फोरेंसिक की टीम बुलाई गई, जिस पर शरीर पर प्रथम दृष्टया किसी प्रकार के जहरीला चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। वस्तुतः जानकारी प्राप्त हुई है कि मृतक की 4 महीने पहले कोर्ट मैरिज शादी हुई थी, जिसको लेकर आपस में अनबन चल रही थी तथा 2 दिन पूर्व बिना बताए घर से चला गया था। परिजनों को भी इसकी सूचना दे दी गई है। परिजन मौके पर पहुंचकर इसकी पहचान कर लिए हैं, जो धामपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्यवाही कराई जा रही है। सभी बिंदुओं की गहनता से जांच कर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाएगी। और इसी के साथ जुड़े रहे बंधन समाचार के साथ।